फ्रेंड, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो हमारा इनकोडर है। ठीक है, अभी तक हमने मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर और उसके कुछ मल्टीप्लेक्सर के कॉम्बिनेशनल सर्किट देखे हैं। अब इसके आगे जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो लेसन था हमारा मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डीकोडर। तो आज हम मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर होने के बाद हमारा जो तीसरा जो पार्ट है इसके अंदर, वो है आपका एनकोडर। ठीक है, अब एनकोडर यानी क्या है? एनकोडर मीन्स जो जिस तरह से हमारे पास डेसिमल नंबर्स है, जो हमें पता रहता है कि 0, 1, 2, 3 ये क्या है, इसे सर्किट में जब अप्लाई करेंगे या इनपुट देते हैं, उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा हमें वो कोडेड फॉर्मेट में रहेगा। क्या रहेगा? कोडेड फॉर्मेट। जो डेसिमल 4 होगा वो एक कोडेड फॉर्मेट में होगा। वो जो कोडेड फॉर्मेट रहेगा वो आपका बीसीडी कोड में रहता है। बीसीडी ये हमारे 4 बिट होते हैं उसमें, तो ये 4 बिट के अंदर में ये डेसिमल नंबर कोडेड हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम एनकोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनकोडिंग। तो ये एनकोडिंग में क्या होता है तो हम देखते हैं। आज का टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपको याद रहा धोटे कॉलेज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो टुडे टॉपिक इज इनकोडर। व्हाट इज इनकोडर और यहाँ इनकोडर में आपके सर्किट के अंदर में क्या होता है, ये हम पहले पॉइंट में देखते हैं। इनकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट। क्या है? हमारे पास एक लॉजिकल सर्किट्स रहेंगे जो सर्किट क्या करेगा, कन्वर्ट एक्टिव इनपुट इनटू कंट्रोल आउटपुट सिग्नल। ठीक है, एक्टिव इनपुट ही लेगा। ठीक है, एक्टिव इनपुट यानी कौन से हैं? तो लॉजिक 1 है, ये हमारा क्या है, एक्टिव इनपुट है। यही इनपुट वो आउटपुट में ट्रांसफर करेगा, वो आउटपुट लेगा, सिर्फ एक्टिव इनपुट ही लेगा, यानी वो कंट्रोल होगा और आउटपुट सिग्नल हमें जनरेट मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक्टिव इनपुट जो लॉजिक हाई रहेंगे वही हमारे आउटपुट के अंदर में आएंगे। ठीक है, इस तरह से डेफिनेशन क्या कहती है इनकोडर के, देखो, द प्रोसेसिंग ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम फैमिलियर सिंबल टू नंबर इन कोडेड फॉर्मेट। फैमिलियर सिंबल है हमारे पास, फैमिलियर सिंबल मीन्स जहां पे हमें कुछ सिंबल दिखाने के बाद हमें पता चल जाता है कि यहाँ ये पर्टिकुलर नंबर है। जैसे 8 अगर हमने लिख दिया है तो आपको सडनली पता चल जाएगा कि ये 8 है। 9 अगर लिखा जाए तो आप सडनली उसे रीड कर पाओगे कि ये 9 है। ठीक है, अब इसी जो डेसिमल नंबर जैसे 8, 9, 1, 2, 3 इसको हम इसमें कन्वर्ट करने वाले हैं, तो कोडेड, ये क्या है, कोडेड फॉर्मेट, जो आसानी से कोई भी रीड नहीं कर पाएगा, सिर्फ सर्किट ही उसे डिटेक्ट कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो कोडेड फॉर्मेट में जो हमें दिखाई देता है, जैसा बारकोड हो गया, ये कोडेड फॉर्मेट में, जैसे हमारे एटीएम कार्ड में एक बार आता है, वो हमें दिखाई पड़ता है क्या उसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, नहीं, तो ये कोडेड फॉर्मेट है। ठीक है, वो कौन कर पाएगा उसे कोडिंग, तो सिर्फ मशीन ही कर पाएगी। उसके अंदर में हमने क्या डेसिमल डिजिट्स में हमने क्या कॉम्बिनेशन यूज किए है वो सिर्फ सर्किट ही जान पाएगा। ठीक है, तो कुछ फैमिलियर सिंबल्स हैं, ऐसे सिंबल्स या ऐसे कोड जो अदर लोगों को या अदर पीपल्स को नहीं समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर हमने कौन सा कोड किया है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये एनकोडर बहुत ही जरूरी है सर्किट के अंदर में। ठीक है, तो फैमिलियर सिंबल्स जो हमें मालूम होते हैं, आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोडेड फॉर्मेट में, जो हमें आसानी से अदर जो के मेंबर होगा या पीपल्स होंगे या अदर कोई भी होगा, ठीक है, तो ये कोडेड फॉर्मेट में उनको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद इसमें होता क्या है, हम इसमें यूज क्या करने वाले हैं, तो ये जो प्रोसेस है डेसिमल नंबर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बीसीडी इनकोडर। ठीक है, हमने लॉजिक गेट में पढ़े हैं कि एंड आर नॉट गेट पढ़े हैं, नंबर सिस्टम में हमने डेसिमल्स टू बीसीडी कोड पढ़ा है, जो बीसीडी को
पूरा एक्सप्रेशन एक्सप्लेन हमने किया है, तो उसी से हम डेसिमल टू बीसीडी कोड। अब बीसीडी कोड कितना है, बिट का है हमारे पास 4 बिट का, कितना बिट का है 4 बिट, ठीक है। बीसीडी कोड हमारे 4 बिट का होता है, इसलिए हमने यहां पर क्या लिया है, तो 4 आर, ये देखो 4 आउटपुट्स लिए, क्या लिए हैं 4 आउटपुट्स लिए हैं। डेसिमल हमारे नंबर कितने 0 टू 9 है, कितने हैं 0 टू 9, तो हमें इनपुट्स कितने मिलेंगे 10 इनपुट्स मिलेंगे, यानी इसका क्या मतलब हुआ 10 इनपुट्स है और 4 आउटपुट्स है, यानी कन्वर्ट जो होगा द टाइप्स ऑफ एनकोडर हैज 10 इनपुट 1 फॉर ईच डेसिमल, 1 फॉर ईच यानी 0 के लिए 4 आउटपुट्स निकलेंगे, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, यहां तक 9 तक जाएगा, ठीक है। आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू द बीसीडी कोड, जो भी नंबर्स आए डेसिमल नंबर, ये सब कोडेड फॉर्मेट में जाएंगे जो बीसीडी के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब ये बीसीडी डेसिमल टू बीसीडी जो एनकोडर है, इसमें हम 4 आर गेट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे 4 आर गेट यूज करने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से ये थ्योरेटिकल पार्ट हमें इस तरह से लिखना है, एग्जांपल मैं यहां पे लास्ट में बता दूंगा आपको। तो हम चलते हैं लॉजिक डायग्राम की तरफ, लॉजिक डायग्राम में क्या लिखना है आपको, तो ये यहां पर ये दिया है कि 10 इनपुट्स लेना है, 10 इनपुट्स लेना है, यानी 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 ये हमें क्या करना है नंबर्स लेना है। 4 आर गेट चाहिए, ये 4 आउटपुट्स है, तो हमें क्या चाहिए 4 आर गेट चाहिए, तो हमारे पास 4 आर गेट्स है, 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 आर गेट है। हर एक डेसिमल नंबर के लिए 4 आर गेट क्या दिया है आउटपुट देना है, ठीक है। और यहाँ पे कौन से नंबर ही रहेंगे जो ज्वाइन करना है हमें आर गेट से, जो हाई है, लॉजिक हाई है, पहले हमने बताया कि जो सर्किट में क्या रहेंगे एक्टिव रहेंगे, क्या है एक्टिव इनपुट्स रहेंगे, एक्टिव इनपुट्स क्या है हम देखेंगे ट्रुथ टेबल के अंदर, ठीक है। अब ये हमारे पास डेसिमल इनपुट है, 0 पहले से लेकर 9 तक हम लिख देंगे, डी सी बी ए लेना है और डी एन एस बी ए करके हमने यहां पर लिया है, बाद में सी बी ए लिया है, क्योंकि एल ए जो है वो एल एस बी लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एम एस बी का मतलब क्या है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, एक बार रिकॉल कर लेना, उस लेसन पे चले जाइएगा, थोड़ा उसको भी देख लेना। अब ये टेबल कैसे ड्रॉ करना है, ए का क्या करना है हमारे पास 8421 का लग है, ठीक है, यानी ए के अंदर में क्या करेंगे हम 0101 कॉम्बिनेशन 9 तक जाना है, बी क्या है तो दो बार 0 लिखना है और दो बार 1 करके हमें आगे बढ़ना है। 4 है इसमें कोड में क्या आएगा, 4 बार क्या रहेगा 0 रहेगा, 4 बार 1 रहेगा, इस तरह से आपको कितने नंबर जाना है 9 नंबर तक जाना है। 8 है यानी आपको कितना करना है, डी जो आएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो ये जाएंगे 8। इसके आगे फिर दो ही नंबर है, 9 तक ही लिखना है, 8 0 तक है, 8 1 आएगा और 9 1 लिख के यहां पे आगे 9 1 1 चले जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये रहेगा, ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल, किस तरह से ड्रॉ करना है ये। अब जोड़ना कैसे, देखो ए के अंदर में जो वंस आए हैं यानी एक्टिव इनपुट्स ही लेना है। अब एक्टिव कौन से इनपुट्स है आपके पास, ये 1 यानी 1 वाला इनपुट है हमने लगाया ए के लिए, सेकेंड क्या दिया है 1 नहीं है 2 है, देखो 2 नहीं है 3 लगा हुआ है, ठीक है इस तरह से 3 लगाया, 4 नहीं है 5 है, 5 कनेक्टेड है ये जा रहा है इस तरह से, 6 नहीं है 7 है, 7 जा रहा है ये देखिए हेलो, ठीक है। और ये तरह से लास्ट वाला 9 वाला है, ये 9 ऐसा लगा, ठीक है। उसके बाद बी का कॉम्बिनेशन देखेंगे, बी में कौन से 2 है, सिर्फ 2 ऊपर में है, 1 2 नहीं है 3 4 है, 3 इधर लगाया है, 1 नहीं है 2 लगा हुआ है, 0 नहीं है यहां पे 0 नहीं है, कौन सा है सिर्फ 2 यहां पे है 2 3 और नेक्स्ट है हमारे पास 5 6 7 कितने हैं 6 7 इस तरह से लगा हुआ है ये, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, सबसे पहले 1 रहेगा, 2 नहीं है 3 है 4 नहीं है 5 है 6 नहीं है 7 है 8 नहीं है 9 ये इनपुट्स हमें यहाँ कनेक्ट करना है। सी में क्या लिखेगा, 0 नहीं है 1 नहीं है 2 नहीं है 3 नहीं है 4 है
फाइव है और सिक्स सेवन, यानी कौन कौन से लगे, फोर फाइव सिक्स सेवन, जहां पे वन आएगा वही कनेक्ट करना है आर गेट से। और यहाँ पे वन कौन से इसमें आया है, आर गेट के सी में आया है। अब डी में क्या आएगा, दो ये एट और नाइन, ये हमारा एट और नाइन, ये क्या दिखाया हमने, स्विचेस है, स्विच है, जो बिट्स हमें आउटपुट पे चाहिए एबीसीडी के अंदर में, वो स्विचेस आपको क्लोज करते हुए इसको एक्टिव करना है। इस तरह से हमारा लेसन यहाँ पे स्टॉप होता है। थैंक यू।